जोनाथन, चलिए पे हाइड्रा के रिसर्व उन्होंने थर्ड पार्टी की है, थर्ड पार्टी करना चाहते बाकी के प्लेयर चलिए हाइड्रा के वो भी काफी क्लोज आ चुके हैं जोनाथन। वेल देखिए चारों दिशाओं से वो घिरे हुए हैं फिर भी अपने आप को काफी बढ़िया तरीके से अभी भी इस मैच में फंसाए हुए हैं। वो बिल्कुल चाहते हैं कि इस मैच में वो बने रहे। 1v4 की फाइट आप है जोनाथन के लिए क्या आसान रहने वाला है। एक मॉली फेंकी गई थी, मॉली अभी तक इन्होंने हिट नहीं किए, एक सिंगल प्लेयर को वहाँ पे डैमेज भी नहीं पड़ा है जोनाथन की। अगर मैं बात करूँ हाथ में डीबीएस लेके इंतजार करेंगे कोई खिलाड़ी ऊपर चढ़ के आए फिर जोनाथन उनको स्पॉट करना चाहिए। ये ग्रेनेड हो सकता है जो कि हिट कर सकता है टीम हाइड्रा के एक दो खिलाड़ियों को। लेट्स सी क्या वो हिट करने वाला। जी नहीं, अभी के लिए यहाँ पे हमें इस पर जज किया था, जज तो सही किया था, ग्रेनेड फेंका भी काफी सही समय पे गया था और काफी सही दिशा में फेंका गया था। आगे की तरफ आएंगे, नीचे तरफ आने वाले स्पॉट किए जाएंगे। पहली 1v2 हाइड्रा के दो खिलाड़ी को बैक टू बैक, क्या तीसरा जी बिल्कुल आप हाइड्रा के तीन खिलाड़ी जोनाथन के द्वारा अभी के लिए टेक डाउन किए जाएंगे। मात्र एक और खिलाड़ी जो कि बाकी रहने वाले जो कि थोड़ा सा पीछे नजर आएंगे, चलिए फाइनली उनको भी पकड़ा जाएगा। और इसी के साथ गॉड लाइक जोनाथन, वेल ही इज लुकिंग अनस्टॉपेबल फॉर श्योर। 1v4 है जो कि हाइड्रा के प्लेयर के ऊपर किया जाएगा। क्या रिकॉर्ड टेक डाउन देखने के लिए मिलने वाला, ट्राई करेंगे। चलिए एफएस के प्लेयर की भी दुनिया नष्ट होने वाली है मुझे लगता है। एक और खिलाड़ी फ्लिक बैठी भी काफी स्पीड से आगे आना चाहेंगे जोनाथन की तरफ से।